Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हम बलूचिस्तान में, मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ. मेरे कितने साथी, मेरे स्टूडेंट्स, दोस्त कितने, मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं. उनके चेहरे भी देखने, पहचानने के लायक नहीं थे. उन पर तेजाब फेंक दी गई उनकी लाशों पे, उनको ड्रिल किया गया. तो और वही आर्मी आज कनाडा में असाइलम लेकर फैसिलिटाइज की जा रही है उनको कैनेडियन हुकूमत की जानिब से. जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, हमारे औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, उस आर्मी को वो यहाँ पे पनाह दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं ताकि वो और काबिल हो जाए हमें मारने के. जो आर्मी 1970 को बांग्लादेश में वॉर क्राइम्स में मुलव्वस रही है, जेनोसाइड में मुलव्वस रही है, लाखों बंगाली औरतों की असमत दरी करने में मुलव्वस रही है, वही आर्मी वो 1947 से 1948 से बलूचिस्तान में कर रही है. वही वार क्राइम, वही जेनोसाइड, वही इज्तिमाई खबरें, वही हमारी औरतें गांव में घुसकर औरतों को हेलीकॉप्टर के जरिए उठाकर उनको अपने आर्मी टॉर्चर सेल में रखकर उनको सेक्स स्लेव के तौर पर यूज कर रही है. वही मुसलमान आर्मी, इकरा खालिद की मुसलमान आर्मी, जिसे वो तहफ्फुज़ देना चाहती है. मैं एक विक्टिम के तौर पर ये समझती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ये बिल पास की गई, न सिर्फ ये कनाडा के मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया के इंसानों के लिए एक जहर साबित हो सकती है. और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत जो कोई भी करे, मैं समझती हूँ कि बलूच जेनोसाइड में उसका बराबर का हिस्सा है.